नमस्कार साथियों, हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम आज 13 मार्च को लग चुका है और हाईकोर्ट के एग्जाम लगने के बाद सबको यह है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ हाईकोर्ट एलडीसी की जो कुल पोस्ट है वो हाईकोर्ट एलडीसी की कुल 1760 पोस्ट है। हाईकोर्ट एलडीसी की पोस्ट कितनी है? कुल 1760 पोस्ट है और एग्जाम है वो 300 नंबरों का एग्जाम अभी हुआ है। कुल कुल 300 नंबर का एग्जाम हुआ है। कुल 150 क्वेश्चन आए हैं अभी एग्जाम के अंदर। आप जैसे आपको पता ही है कि हिंदी के अंदर 50 क्वेश्चन आए, इंग्लिश के अंदर 50 क्वेश्चन आए और जीके के अंदर भी 50 क्वेश्चन आए। तो हिंदी के 50 नंबर है वो 100 नंबर के हैं, इंग्लिश के भी 50% है वो 100 नंबर के, ऐसे सब 100 100 नंबर के पार्ट है तीनों पार्ट। अब देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूँ हिंदी इंग्लिश और जीके की, लेवल कैसा है एग्जाम का। लेवल देखो, हिंदी जीके बिल्कुल इजी लेवल का एग्जाम आया है। जो रेगुलर जो तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, जो थोड़ा बहुत कंपटीशन लेवल से जुड़ा हुआ है, वो उस वह बहुत सारे क्वेश्चन है वो कर सकता है। तो हिंदी के 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो लगभग स्टूडेंट है वो करके आए हैं, जो जो नॉर्मल स्टूडेंट करके आए। ऐसे ही जीके के अंदर भी 30-35 ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक नॉर्मल स्टूडेंट जो हल्की सी तैयारी कर रहा है वो भी करके आया है। तो आपने पेपर देखने के बाद में आपको भी पता लगा होगा कि एग्जाम पेपर का लेवल है वो इतना टफ नहीं था, इजी लेवल का एग्जाम था। तो इंग्लिश में दिक्कत यह है कि इंग्लिश का इजी है, लेकिन इंग्लिश है कि सभी स्टूडेंट है वो कम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें नॉर्थ इंडिया के अंदर अपने राजस्थान में मान लो कि इंग्लिश का क्रेज़ भी कम रहता है, पढ़ने का मन भी सभी का कम होता है, इंग्लिश से हम दूरी भागते रहते हैं। तो हो सकता है कि मतलब टफ लगे, लेकिन टफ नहीं था। तो पेपर है वो इजी लेवल का पेपर है, एकदम कोई दिक्कत नहीं थी, कोई हार्ड वाली बात नहीं थी। 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर का है। तो हम पूरा विश्लेषण करके चलेंगे आज की कितने कट ऑफ जा सकती है लगभग, और अपने सुझाव भी आप मुझे जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो कुल 1760 पोस्ट है और 5 गुना कैंडिडेट है वो पास किए जाएंगे इस एग्जाम के अंदर टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो 5 गुना अगर कैंडिडेट पास करेंगे 1760 में पोस्ट में, तो कुल कैंडिडेट पास हो जाते हैं 8,800 कैंडिडेट है वो टोटल पास किए जाएंगे 5 गुना जब लेंगे। तो अब देखो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो देखो कट ऑफ की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि मिनिमम मार्क कितने लेके आना है। तो एससी एसटी और पीएच जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 160 नंबर है वो लेके आना जरूरी है, मिनिमम है। अगर इनसे कम अगर मार्क आए हैं तो उन्हें प्री एग्जाम है वो पास नहीं माना जाएगा, चाहे वो मेरिट लिस्ट में भी आए, क्योंकि ये मिनिमम रखा गया है पास मार्क। और अदर कैंडिडेट जो ओबीसी जनरल हो गए उनके लिए 135 नंबर है वो मिनिमम लेके आना जरूरी है। तो एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए 120 और अदर कैंडिडेट जो ओबीसी जनरल है उनके लिए 135 नंबर मिनिमम लेके आना जरूरी है, 5 गुना पास किए जाएंगे। तो देखो मैं लगभग बात कर लूँ, आप एक छोटा सा अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर हम देखें कि जो एवरेज जो स्टूडेंट है उन पर मेरिट निकलती है, तो एवरेज स्टूडेंट मान लें हम हिंदी के अंदर 40 करके आए और जीके के अंदर भी 40 करके आए, तो दोनों के मिला के कुल हो जाते हैं 80। अब इंग्लिश में वो 30 भी कर दें तो नंबर हो जाते हैं 110 परसेंट। कितने हो जाते हैं? 110 परसेंट हो जाते हैं। 50-50 क्वेश्चन आए हिंदी और जीके के, आपने भी देखा होगा कि बहुत इजी सा लेवल है, बिल्कुल भी वो वाली बात नहीं है कि हार्ड वाली बात हो। तो 40-40 क्वेश्चन कर सकते हैं जो एवरेज स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी की है, तो 40-40 भी उनमें होते हैं तो दोनों में हो जाते हैं 80। उसके बाद में इंग्लिश हमारी थोड़ी वीक रहती है तो मान लो 30 ही किया तो 110 क्वेश्चन तो जरूर पहुंच जाती है। तो ये तो मान के चलो कि 110 क्वेश्चन से नीचे तो कट ऑफ है वो नहीं जाएगी, आप देख सकते हो, क्योंकि 40 क्वेश्चन, ये मान लो मैं यही नहीं करा कि 40 ही करके आए, वो 38 हो गए, 37 हो गए, किसी के 36 हो गए, किसी के जीके वाले पार्ट में भाई 45 हो गए, हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा वो लेवल नहीं था, आपने भी देखा इजी लेवल का पेपर आया है। और हम एवरेज मान के चलते हैं, ये भी नहीं कि टॉपर्स भाई 50 में से 50 भी करे हैं कुछ लोग, तो टॉपर्स में मेरिट नहीं निकलती, ज्यादातर जो एवरेज जो स्टूडेंट है उनको हम लेके चल रहे हैं। तो ज्यादातर स्टूडेंट है वो 40-40-80 तो ये हो गए, और 30 इंग्लिश में है वो सब लगभग कर लेंगे सभी, तो 110 परसेंट तो हो जाते हैं। देखो 110 से नीचे तो मेरिट है कन्फर्म रूप से नहीं जाएगी। अब ऊपर कितना जाएगी, मेरा आइडिया कह रहा है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि 120 ही आएंगे, जिनके 119 बन रहे हैं, 117 बन रहे हैं, 110 बन रहे हैं, 115 रहे हैं, वो हताश हो जाएंगे, नहीं इतनी तो रहेगी नहीं। मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ, इतनी जा सकती है क्योंकि इजी लेवल का पेपर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो जनरल कैंडिडेट जिनके क्वेश्चन 120 आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है। अब देखो इसमें 5%, 4%, 3%, 2% ऊपर नीचे हो जाता है, 115 हो जाए, 114 हो जाए, 116 हो जाए, 121 भी हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन लगभग 120 परसेंट जिनके जनरल कैंडिडेट के अंदर जो बन रहे हैं जिनके, उनको टाइपिंग कर लेनी चाहिए, अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और ओबीसी कैंडिडेट 115 के लगभग, और ईडब्ल्यूएस के 110 के लगभग, और एससी एसटी 107, 108, 109, 110 के लगभग जो कैंडिडेट है वो टाइपिंग के लिए अच्छे से तैयारी उनको करनी चाहिए, एफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग के लिए उनको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो ये मेरा ओपिनियन दिया है मैंने, आपका ओपिनियन क्या है आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको बताई है कि ऐसे ऐसे 110 क्वेश्चन तो नॉर्मल बन रहे हैं, नॉर्मल जो एवरेज जो कैंडिडेट है उनके बन जाते हैं। तो उसके बाद में देखो 5 गुना कैंडिडेट पास करने, 8,800 के लगभग कैंडिडेट पास किए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पोस्ट भी नहीं है तो ज़्यादा ही रहने का चांस है, 120 के लगभग रहने के चांस है। लेकिन फिर भी मैंने लगभग आइडिया आपको दिया है, यहाँ पे जिनके नंबर बन रहे हैं ये टाइपिंग इनको करनी चाहिए, अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में अपने नंबर मुझे जरूर बताएं कितने बन रहे हैं आपके, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और आपके विचार में कितनी कट ऑफ जा सकती है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मेरे द्वारा दी गई सूचना अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ऐसे ही मैं हर एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के लिए अपडेट मैं लेके आता रहता हूँ। धन्यवाद।